नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिलेट कंपनी के बारे में। इसका जिलेट का रिजल्ट आ चुका है, इधर रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। हमने काफी दिन पहले जिलेट का एक बार वीडियो भी बनाया था, आप सबको बताया था जिलेट एक अच्छा सा स्टॉक है, स्टॉक में हम पोजीशन लेने के लिए। अभी इसका रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट को देखकर आपको पैनिक अगर कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद में आपका जो भी डाउट रहेगा उसमें क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है, उस बेस पे आप स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जिलेट कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसका वेबसाइट को जरूर आपको विजिट करना चाहिए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रेंज वगैरह सब मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि जिलेट क्या क्या बनाता है। जिलेट सेगमेंट का जो कंपनी है, जिलेट एक्चुअल तीन इसका जो मेन प्रोडक्ट है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं जो कि जिलेट का मेन बिजनेस है। यहाँ पे ब्लेड्स एंड रेजर्स और उसके साथ में ओरल केयर है, उसके साथ में टॉयलेटरीज है। तो यहाँ पे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे पैम्पर्स हुआ, एरियल्स हुआ, ओरल बी हुआ, ये सब प्रोडक्ट जिलेट बनाता है। इसका जो पेरेंट्स कंपनी है फ्रेंड्स, ये इसका जो पेरेंट्स कंपनी है तो द प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी यूएस है, तो इसका पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं है। तो इस कंपनी का अगर मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अभी 58 पे स्टॉक का पी भी ट्रेडिंग हो रहा है। और यहाँ पे आरओसी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 51% का आरओसी है, प्रोमोटर होल्डिंग 75% का है। और एक मेन बेहतरीन चीज है कि डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और स्टॉक का भी ट्रेडिंग हो रहा है, 8,200 उसका ऑल टाइम हाई था, स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 5,117 का स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। ये काफी करेक्शन है स्टॉक में हो चुका है। अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, यहाँ पे डिविडेंड 0.7% का डिविडेंड देता है स्टॉक में। मेन जो चीज है यहाँ पे जो रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ पे डिक्लाइन आया। अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से दिसंबर 2020 के यहाँ पे 520 करोड़ का सेल्स हुआ था, अभी का अगर हम देखेंगे दिसंबर 2021 को यहाँ पे सेल्स हुआ है 563 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर सेल्स की बात करेंगे, सेल्स में तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, लेकिन इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में तो ये लास्ट यहाँ पे दिसंबर में 82 करोड़ का देखने को मिला था, अभी यहाँ पे 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब जो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा डिक्लाइन नजर आ रहा है हमारे सामने, तो यहाँ पे 13% का यहाँ पे रिजल्ट में डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो इसी हिसाब से अगर आप क्वार्टरली भी रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी बिल्कुल 13% का यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो अगर लास्ट चार क्वार्टर का हम रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पे 286 करोड़ का नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है, जो कि इतना इम्प्रेसिव नजर नहीं आ रहा है, बट ये स्टेबल है, जो रिजल्ट है यहाँ पे स्टेबल है। इसी हिसाब से अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में 792 करोड़ का अभी रिजर्व देखने को मिला है, जो कि रिजर्व ग्रोइंग होते हुए नजर आ रहा है। तो बोरोइंग अभी डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल 1 रुपए का कर्जा भी कंपनी के ऊपर नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 75% प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, और एफआई के पास में 2% का होल्डिंग है, डीआई के पास में 10% का होल्डिंग है, और यहाँ पे पब्लिक के पास में 12% का होल्डिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे पब्लिक के पास में जो 12% है, यहाँ से 3% और 1% अगर निकाल देंगे तो यहाँ पे अराउंड यहाँ पे 7% पब्लिक के पास में है फ्रेंड्स। इसी हिसाब से ये स्टॉक में हमें क्या करके चलना चाहिए, जो कि मेन मुद्दा है। ये जो स्टॉक है काफी दिन से करेक्शन हो रहा है, तो ये स्टॉक में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री पॉइंट गुड बता रहा है, कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिविडेंड रेल बहुत बेहतरीन डिविडेंड रेल देता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, ये स्टॉक जिस हिसाब से करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 8,000 का लेवल जो है, 8,000 लेवल से कंटिन्यूअसली ये स्टॉक में करेक्शन चल रहा है। अगर आप देखेंगे वो लेवल से लेके अभी तक का यहाँ पे ये स्टॉक में ऑलरेडी 37% का करेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन चीज इसमें क्या है, एक मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जितना बड़ा करेक्शन होने के बावजूद भी इसका जो प्री यहाँ पे जो पैंडेमिक का जो लेवल था, पैंडेमिक लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो एक यहाँ पे स्टॉक में एक पॉजिटिव साइन है। इसको अगर हम वन डे का, वन वीक का कैंडलस्टिक पैटर्न में चेक करें फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे पैंडेमिक का जो लेवल आया था, यहाँ पे 4,500 का लेवल तक आ चुका था स्टॉक। तो अभी उस लेवल तक अभी स्टॉक नहीं आया, लेकिन स्टॉक का यहाँ पे स्टॉक में अभी तक का अगर हम लेवल यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे भारी करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि 37% का करेक्शन पे स्टॉक चल रहा है। लेकिन स्टॉक का अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म का चार्ट एक बेहतरीन स्टॉक चार्ट पैटर्न है। देखिए स्टॉक हमेशा एक बढ़िया सा रिटर्न दिया है, ठीक है।
तो एक लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न जो है बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है, तो इस हिसाब से हमें कोई स्टॉक में शक भी नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है, अगर आप एक दिन के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इस स्टॉक में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं कि स्टॉक में कब मोमेंटम आएगा और स्टॉक कब ऑल टाइम हाई अचीव करेगा। ठीक है, अगर आप ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप ये स्टॉक में ऑलरेडी होल्डिंग बनाए रखे हैं, मेरे हिसाब से आप ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, तो ये स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। प्रोक्टर गैम्बल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनका जो प्रमोटर है, प्रोक्टर एंड गैम्बल ओवरसीज इंडिया की कंपनी है, तो इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना पोर्टफोलियो में ऑलरेडी जब मैंने वीडियो बनाया था इसको अपना पोर्टफोलियो में ऐड करके चला हूँ, तो अभी मेरा पोर्टफोलियो में है, डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये कंपनी अच्छा लगता है, ये स्टॉक में अपना होल्डिंग लेके चल सकते हैं। अगर नजरिया लंबा नजरिया रखेंगे स्टॉक में, आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट स्टॉक में मिल सकता है। ठीक है, अगर आप ये स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, अगर ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में बने रहते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे, 1 साल 2 साल का अगर नजरिया रखेंगे, तो यहाँ पे 60% तक का गेन आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, कंपनी कोई भी बुरा नहीं है ये स्टॉक में, अगर आपका पोर्टफोलियो में है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए, आपको जरूर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, कंपनी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बढ़िया सा रिटर्न आने वाले टाइम से मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में अभी अगर लेके चलेंगे, तो आपको अगर 2 साल 1 साल का अगर नजरिया रहेगा तो तब तक ये स्टॉक को लेके चल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक से जरूर आपको अवॉइड रहना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 2 साल तक 1 साल तक अगर ये पोर्टफोलियो में अपना लेके चलते हैं, आपको ये ऑल टाइम हाई तक लेके चल सकते हैं, जो कि 8,100 का लेवल जरूर ये टच कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, और एक चीज फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से स्टॉक में एक बार ट्रेडिंग क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, डिलीवरी कितना परसेंटेज उठाया गया। ये स्टॉक में 9,820 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6,351 क्वांटिटी डिलीवरी उठाया गया, जो कि 64% का डिलीवरी ये स्टॉक में उठाया गया है। जो करेक्शन होना था करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ये स्टॉक में और ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये स्टॉक को अपना नजर बना के रखिए। अगर पसंद आता है तो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, अभी LIC का IPO आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप में मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सएप में मेरे साथ में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहिए, मेरे साथ में जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।